यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। से सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके ना आजादी की तरफ कदम बढ़े। इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। दोस्तों आज बात करेंगे उस अभिनेता की जो ऐसे खलनायक के रूप में मशहूर हुए जो अपनी हर भूमिका में एक नया रूप और अनुभव लेकर आए, चाहे वह आंखों में गहरा काजल लगाना हो या किसी किरदार का सिगरेट पीते हुए स्टाइल से डायलॉग बोलना। उनके बारे में सब कुछ पिक्चर परफेक्ट था। उनका अभिनय ऐसा होता था कि लोग उनके किरदार से नफरत करने लगते थे। अपने करियर में उन्होंने 350 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। कहते हैं कि ये बॉलीवुड के सबसे चहेते और प्यारे विलन थे। ये हीरो से भी ज्यादा फीस लेते थे। और क्या आप जानते हैं कि ये अभिनेता फिल्मों में आने से पहले एक होटल में काम किया करते थे। तो जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेता प्राण की लाइफ के बारे में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शेर खान, बेटी के रिश्ते कांच का खिलौना नहीं होते। एक समय था जब फिल्में हीरो हीरोइन नहीं बल्कि विलन के नाम पर चलती थी और वह विलन होते थे प्राण। 12 फरवरी 1920 को जन्मे प्राण ने कई दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया। हालांकि उन्होंने फिल्मों में अपनी शुरुआत बतौर हीरो ही की, लेकिन उन्हें डांस करना पसंद नहीं था, इसलिए वे विलन के रोल करने लगे। साल 1945 में प्राण की शादी शुक्ला आलूवालिया से हुई, जिनसे उन्हें दो बेटे अरविंद और सुनील व एक बेटी पिंकी हुई। भारत पाकिस्तान बंटवारे से पहले उन्होंने अपना करियर बतौर फोटोग्राफर स्टार्ट किया था और फिर इत्तेफाकन उनकी मुलाकात एक फिल्म निर्माता से हुई। दरअसल प्राण को पहली फिल्म मिलने का किस्सा भी बेहद ही मजेदार है। लेखक मोहम्मद वली को पंजाबी फिल्म यमला जट के लिए हीरो की तलाश थी। एक बार मोहम्मद वली पान की दुकान पर खड़े हुए थे और उसी पान की दुकान पर प्राण भी खड़े हुए थे। मोहम्मद वली को प्राण की शख्सियत और पान चबाने का अंदाज इतना पसंद आया कि उन्होंने 1940 में बनी पंजाबी फिल्म यमला जट के लिए प्राण को साइन कर लिया। इस फिल्म से ही प्राण ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। प्राण ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत तो कर ली, लेकिन प्राण ने अपने पिता को यह नहीं बताया था कि वह शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके पिता को उनका फिल्मों में काम करना पसंद नहीं आएगा। लेकिन जब अखबार में उनका पहला इंटरव्यू छपा तो उन्होंने उस अखबार को ही छुपा लिया, लेकिन फिर भी उनके पिता को उनकी फिल्मों में काम करने की बात पता चल गई। प्राण के इस करियर के बारे में जानकर उनके पिता को भी अच्छा लगा, जैसा कि प्राण ने कभी सोचा नहीं था। भारत पाकिस्तान बंटवारे से पहले प्राण ने लाहौर में रहकर तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया। लाहौर में उनकी आखिरी फिल्म बिरहन 1948 में रिलीज हुई थी। हालांकि उन्हें पत्नी की जिद के कारण 11 अगस्त 1947 को इंदौर आना पड़ा। दरअसल अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ इंदौर में रह रही पत्नी ने जिद की कि अगर वे नहीं आए तो बेटे का पहला जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा, और इसके 4 दिन बाद ही बंटवारा हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। अब लाहौर विदेश हो गया था, लिहाजा किसी रिश्तेदार से कुछ रुपए उधार लेकर आज के मुंबई और उस दौर के वह बॉम्बे पहुंच गए। वहां वह ताजमहल होटल में रुके, 2 कमरे और बालकनी वाला सूट लिया, जिसके लिए 55 रुपए रोजाना उस समय उन्हें देने पड़ रहे थे। 8 महीने बीतने के बाद प्राण के पास रखे पैसे कम होने लगे। पैसे कम होते देख प्राण ने कई होटल बदले और एक वक्त ऐसा आया जब सारे पैसे खत्म हो गए। इन हालात से निपटने के लिए प्राण की पत्नी ने अपने कंगन उन्हें दे दिए, जिसे गिरवी रख कर पैसों का इंतजाम किया गया। इसके बाद 1948 में प्राण को बॉम्बे टॉकीज की फिल्म में काम किया, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाने के लिए प्राण के पास पैसे नहीं थे, इसलिए प्राण ने सुबह सुबह तड़के लोकल ट्रेन पकड़ी ताकि बिना टिकट यात्रा की जा सके। इसके बाद उन्हें जिद्दी फिल्म में काम मिला और 500 रुपये मेहनताना तय हुआ। 100 रुपये एडवांस लेकर प्राण ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। इस फिल्म के हीरो देवानंद और हीरोइन कामनी कौशल थी। दूसरी फिल्म अपराधी में प्राण को मामा साहेब ने लिया। इस फिल्म के लिए प्राण को 500 रुपये महीने का ऑफर दिया गया, लेकिन प्राण ने मना कर दिया और बात 600 रुपये पर बनी। हालांकि इस फिल्म के हीरो राम सिंह को 500 रुपये ही मिल रहे थे। निर्माता मामा साहेब ने मना किया कि ये बात राम सिंह को पता न चले। फिल्म की समीक्षा में फिल्म के कई पक्षों की आलोचना करते हुए उस दौर की एक बड़ी पत्रिका ने प्राण के काम की खुलकर प्रशंसा की। जिद्दी के बाद तुरंत ही प्राण को अपराधी, पुतली और गृहस्थी फिल्म में काम मिल गया। ये सारी फिल्में सुपरहिट हुई और प्राण के काम की भी खूब तारीफ हुई। बाद में अपराधी के लिए उन्हें हीरो से भी 100 रुपये ज्यादा फीस मिली।
इन फिल्मों के बाद प्राण के करियर का सिलसिला ऐसा चला कि फिर उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। एक दौर ऐसा भी था जब पर्दे पर दर्शक केवल और केवल प्राण को देखने के लिए ही आते थे। 60 और 70 के दशक की हिट फिल्मों में प्राण न हो ऐसा हो ही नहीं सकता था। अपने करियर के चरम पर प्राण तब के हीरो अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा से भी ज्यादा फीस लेते थे। उस दौर की तमाम यादगार भूमिकाएं निभाने वाले प्राण को देवानंद के अलावा राज कपूर भी बेहद पसंद करते थे। उन्होंने प्राण को अपनी कई फिल्मों में लिया और बॉबी में उनका किरदार तो बहुतों को याद ही होगा। कहा जाता है कि उस दौर में एक फिल्म के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए लेने वाले प्राण ने इस फिल्म के लिए राज कपूर से सिर्फ 1 रुपए में काम करने का वादा किया था। लेकिन बाद में ये तय हुआ कि अगर बॉबी फिल्म हिट हुई तो वे अपना पूरा मेहनताना लेंगे और अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, क्योंकि उस समय मेरा नाम जोकर फ्लॉप होने से राज कपूर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। 1967 में आई फिल्म उपकार में प्राण ने मलंग का किरदार निभाया था। यह फिल्म तो हिट हुई, साथ ही प्राण के किरदार और उसके गाने की भी खूब चर्चा हुई। इसी तरह शेर खान की उनकी भूमिका अभी तक सिनेमा प्रेमियों के दिमाग से नहीं उतरती। पठान का वो किरदार और उनका गीत यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी लोगों को बेहद पसंद आया था। फिल्म धर्मा में डाकू चंदन की लाजवाब भूमिका और कव्वाली के लिए भी प्राण को खूब तारीफ मिली थी। उन्होंने तकरीबन 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। प्राण के करियर के प्रमुख फिल्मों में कश्मीर की कली, खानदान, औरत, बड़ी बहन, जिस देश में गंगा बहती है, हाफ टिकट, उपकार, पूरब और पश्चिम और डॉन है। रील नहीं रियल लाइफ में भी था प्राण का डर। प्राण अपने हर किरदार को इस तरह निभाते थे कि लोग उसे असल समझने लगते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि खलनायक के रूप में वे इतने प्रभावशाली थे कि वास्तविक जीवन में भी लोग उनसे डरते थे। एक बार मैं दिल्ली में चाय के लिए किसी के घर गए तो उनकी छोटी बहन को उनकी नजरों से दूर रखा गया। बाद में उनके दोस्त ने उनसे फोन करके कहा कि उनकी बहन ने उनसे लड़ाई की है कि वह कैसे एक बुरे आदमी को घर ला सकते हैं। प्राण का कहना था कि 50 के दशक के बाद लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना बंद कर दिया था, जैसे लोग अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रखते। प्राण अभिनय में तो उम्दा थे ही, इस पैमाने पर भी खड़े उतरते हैं। प्राण के द्वारा निभाए गए खलनायकों के किरदार के चलते लोग उन्हें सड़कों पर गालियां देते थे। प्राण ने 12 जुलाई 2013 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें दूसरे तमाम पुरस्कारों के अलावा फिल्म में कलाकारों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के से भी नवाजा गया था। लेकिन ये उनकी बेमिसाल अदाकारी है जिसकी वजह से वे अलग अलग पीढ़ी के दर्शकों के दिलों में राज करते रहे हैं। तो दोस्तों, प्राण के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।